हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम लोग यूपी पीजीटी मैथ्स जो 2016 का जो पेपर हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है, 2 फरवरी 2019 को, उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे। तो उसमें मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ आपका रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा, जो जो सोल्यूशन मैंने डाला उसमें आपका रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा, तो आज मैं सेकंड लेक्चर में उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और आपको अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है यूपी टीजीटी के लिए भी जो है जिस तरीके से सफलतापूर्वक हम लोगों ने यूपी पीजीटी का टेस्ट सीरीज जो है कंडक्ट किया, जिसमें हम लोग जो है कैंडिडेट को जो है स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद जो है टेस्ट कंडक्ट होता है, टेस्ट का हम लोग वीडियो सोल्यूशन देते हैं जिसमें हम लोग शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसमें जो है बहुत मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स ने जो है ज्वाइन किया पीजीटी के लिए, और टीजीटी के लिए वो ऑलरेडी 3 फरवरी से स्टार्ट है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फी पे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579, ठीक है। तो आप मुझे इस पर कॉन्टेक्ट करके जो और बहुत ही नॉमिनल फी पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सोल्यूशन। तो क्वेश्चंस को मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि पेपर आपके पास है, आप पेपर से जो क्वेश्चंस को देख लेंगे, हम सिर्फ जो क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम इसको हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। आपके पेपर में हो सकता है क्रम दूसरा हो, हम इसको नाम देंगे 21, आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि अगर इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4, ये इतना है तो बताना कि 2a की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो देखिए, अब a इनवर्स से a निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, a से a इनवर्स निकालना आसान होता है, बट a इनवर्स से a निकालना मुश्किल होता है। देखिए, इसके लिए हम एक ट्रिक सोचते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए ये निकालना है, तो देखिए अगर मैं ट्वाइस ए में a जो मुझे निकालना है मैट्रिक्स, उसको तो मैं ऑप्शन से चूज कर लूंगा, और अगर उसमें हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो a इनवर्स का होता है आइडेंटिटी होता है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2i का मतलब क्या हुआ, 2002। इसका मतलब ऑप्शन से हम मैट्रिक्स को उठाएंगे, उसमें इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और अगर मल्टीप्लाई करने से इसका इस तरीके का रिजल्ट मिल गया तो हम कहेंगे कि वही हमारा जो मैट्रिक्स जो है 2a होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए हम ऑप्शन को लेते हैं। सबसे पहले मैं थर्ड ऑप्शन को उठाता हूँ, तो थर्ड ऑप्शन इसमें है -4 2 3 -1। टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, फटाफट आप सेकंड्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप चेक करके देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड को आप चेक करके देख लें, मैं थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4। देखिए, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होने वाला है, रो वाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और +6 -4 +6 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो -8 + 8 0, इसको मल्टीप्लाई किया 3 - 3 0, मल्टीप्लाई किया 6 - 4 2। देखिए, आ गया 2002। इसका मतलब यही जो हमारी मैट्रिक्स है ना, यही जो हमारी मैट्रिक्स है, वही हमारी मैट्रिक्स क्या है, 2a मैट्रिक्स है। इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है ना, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 22 में यह क्वेश्चन है कि x एंड y आर द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इनवर्स। तो देखिए, ग्रुप थ्योरी का डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। ये ग्रुप थ्योरी का रिजल्ट है, थ्योरम ही है, हम इसको यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वाई और ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इनवर्स है ना, इस थ्योरम के बात करें दोनों सेम होगा। इसका मतलब इसका भी ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसको हम नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना, 23 नंबर क्वेश्चन ये है कि अगर a इज इक्वल टू 4 raised to n minus 3n
माइनस वन एन बिलोंग्स टू एन एंड बी इज इक्वल टू नाइन एन माइनस वन, नाइन एन माइनस वन सच दैट एट एन बिलोंग्स टू एन. तो विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इन एन बी इज इक्वल टू ए नन ऑफ द दीज. ठीक है, देखिए बहुत आसान बात इसमें यह है कि ये नेचुरल नंबर्स है, तो हम एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर पुट करें, वन पुट करेंगे देखिए फोर माइनस थ्री टू, टू माइनस वन फोर माइनस थ्री, यहाँ भी एन इज इक्वल टू वन रखें फोर माइनस थ्री माइनस वन, फोर माइनस फोर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जीरो, एन इज इक्वल टू आप टू रखेंगे तो इसमें आ जाएगा नाइन, थ्री रखेंगे तो आ जाएगा फिफ्टी फोर, फिर इसी तरीके से आगे रखेंगे तो आ जाएगा टू हंड्रेड फोर्टी थ्री डॉट. ठीक, और अगर हम इसकी बात करें इसमें पुट करें यानी नेचुरल नंबर्स इसमें भी है पुट करें वन टू थ्री तो ये आ जाएगा जीरो नाइन एटीन ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स ठीक है ना फोर्टी फाइव फिफ्टी फोर एंड सो. देखिए जीरो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है, नाइन यहाँ पे है, नाइन यहाँ पे प्रेजेंट है, फिफ्टी फोर देखिए यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स किस में बिलोंग करते हैं, बी में बिलोंग करते हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी. ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24. ठीक है, तो देखिए क्या है अगला क्वेश्चन हमारा 24, कह रहा है ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट जीरो इज व्हाट. एक एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, तो देख उसमें जो है आपको पूछा जा रहा है कि अदर देन जीरो किसी भी जो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, वो इनफाइनाइट होता है ना, वो कितना होता है इनफाइनाइट होता है. वो सिंपल सी बात है, उसको मान लीजिए वन का ही ऑर्डर निकालना है तो वन को हम कितने बार ऐड करें, वन को कितने बार ऐड करें कि ये कितना आ जाए जीरो आ जाए, क्योंकि हमारा जो इससे पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ना तो कितनी बार जीरो ऐड करें वन को कि हमारा जो है आइडेंटिटी आ जाए. ठीक है ना, तो आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है एडिशन के रेस्पेक्ट में. तो इसको देखिए कितनी बार ऐड करें, इसका जनरली हम लोग आंसर देते हैं कि इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करें, क्योंकि ये वन आप ऐड करेंगे तो जीरो तो आएगा नहीं, तो इसको नाम दिया जाता है कि वन कि जीरो के अलावा और किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि W इज अ सब स्पेस ऑफ R4 स्पैंड बाय 1 कॉमा 0 कॉमा माइनस 1 0 ठीक है 0 1 0 1 ठीक है ना. करा देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इन W. तो देखिए हम अगर इसका लीनियर स्पैन बनाएं, लीनियर स्पैन क्या होता है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन का ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स अल्फा 1 0 माइनस 1 0 और प्लस बीटा 0 1 0 1 ठीक है ना, इसका हम ये लीनियर स्पैन बना रहे हैं सेटअप. तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से अल्फा और यहाँ से बीटा इंटू जीरो कितना होगा, जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ से बीटा हो गया, यहाँ से कितना हो गया माइनस अल्फा, यहाँ से हो गया जीरो ठीक, और यहाँ से कितना हो जाएगा जीरो और यहाँ से कितना हो जाएगा बीटा. तो इसमें जो इसके लीनियर स्पैन में जो एलिमेंट आएंगे वो इस तरीके से आएंगे. अब आप अपने ऑप्शंस पर अगर नजर दौड़ाइए तो पहला जो ऑप्शन है वो है 1 2 1 2 ठीक है, दूसरा है एलिमेंट कहा जा रहा है 1 2 माइनस 1 2 ठीक है, तीसरा एलिमेंट है 2 2 3 2, चौथा एलिमेंट है इसमें 0 1 1 1 ठीक. तो देखिए इसमें इसका जो इसे पूछा जा रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डब्ल्यू, डब्ल्यू में इसमें से कौन सी चीज आएगी, तो डब्ल्यू का नेचर आप देखिए जरा ध्यान से, डब्ल्यू जो सब स्पेस और वो इससे जनरेट हो रहा है जिसका लीनियर स्पैन है ठीक है. तो देखिए इसमें एलिमेंट देखिए पहला और तीसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट होना चाहिए, और दूसरा और जो चौथा एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए. तो क्या इसमें देखिए दूसरे चौथे के बारे में बात करें तो ये तो ठीक है लेकिन इसका साइन अपोजिट नहीं है, ये डब्ल्यू बिलोंग नहीं करेगा. इसकी बात करें देखें दूसरा और चौथा सेम है और पहले दूसरे पहले और तीसरे का साइन भी अपोजिट है, ये इसमें बिलोंग करेगा. देखिए इसमें अगर हम बात करें दूसरे और चौथे की बात करें तो टू टू ठीक है लेकिन हम टू थ्री देखें डिफरेंट आ रहा है, ये तो नहीं बिलोंग करेगा. ये यहाँ से देखिए अगर टू और फोर सेम है बट वन और थ्री डिफरेंट है, ये बिलोंग नहीं करेगा. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. ठीक है, तो कहा जा रहा है लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ
डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। भी एक वेक्टर स्पेस है जो इसका सोल्यूशन को कंटेन करता है, तो डायमेंशन आप भी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका कैसे बनेगा, एम स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस टू। ठीक, तो इसके हम सोल्यूशन की अगर बात करें, चूंकि यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड में कितना है, जीरो है, ठीक है ना, तो इसमें आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं है। इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर टू एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस टू एक्स, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम बात करें जो है कि पूछा जा रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन निकालने के लिए देखिए हम लोग जो है ना, एक अगर हम बात करें कि इसमें एक सेट बना लेते हैं ई रेस टू टू एक्स और ई रेस टू माइनस टू एक्स। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे ना कि ये बेसिस है कि नहीं, ये हम चेक करने जा रहे हैं। ये वेक्टर स्पेस अगर हम लोग बनाए, इसमें हम वेक्टर स्पेस का मतलब देखिए हम इसको ऐसे लिखे हैं, वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर टू एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस टू एक्स। ठीक है ना, वेर ए बी बिलोंग्स टू आर, वेर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ये तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे प्रूफ करना है कि अगर मैं इसको बेसिस लूँ इसके लिए, क्या ये बेसिस बनेगा, और अगर बेसिस बनेगा तो इसका हम डायमेंशन तब निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके लिए इसका हम रॉस्कियन निकालते हैं। रॉस्कियन निकालेंगे, रॉस्कियन कैसे निकालेंगे, ई रेस टू टू एक्स ई रेस टू माइनस टू एक्स, और इसका डेरिवेटिव लिखेंगे ई रेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव टू ई रेस टू टू एक्स। मतलब हम दिखाना चाहते हैं इसको कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस टू ई रेस टू माइनस टू एक्स। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, माइनस टू और ई रेस टू टू एक्स और ई रेस टू माइनस टू एक्स को ऐड करेंगे, ई रेस टू जीरो मतलब वन आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, टू, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज ई रेस टू टू एक्स और ई रेस टू माइनस टू एक्स, मतलब ई रेस टू जीरो मतलब वन आ गया, विच इज इक्वल टू माइनस फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब कि ये हमारा जो है ना वो क्या है, हमारा जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये जो हमारा सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये बेसिस फॉर्म करेगा, और अगर बेसिस फॉर्म करेगा इसमें कितने मेंबर है, दो मेंबर है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 27 कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m m कॉमा 3 कॉमा 1 m कॉमा 3 कॉमा 1 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 3 कॉमा 2 कॉमा 1 एंड 2 कॉमा 1 कॉमा 0। ठीक है, तो इसको हम इस वेक्टर को हम लोग इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, a टाइम्स दिस प्लस b टाइम्स दिस। आई कैलकुलेट करते हैं इसको कितना आ जाएगा, 3a यहां से क्या मिलेगा, प्लस 2b यहां से क्या मिलेगा, 2a प्लस बी यहाँ से क्या मिलेगा, ए ए मिलेगा। ठीक, और यहाँ से ये हो जाएगा एम कामा थ्री कामा वन। ठीक है ना, तो अगर हम देखें कंपेयर करें इसको, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाता है, वन आ जाता है। ठीक है ना, ए इज इक्वल टू वन, और इसको कंपेयर करें अगर तो थ्री ए प्लस टू बी इज इक्वल टू एम और टू ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री। ठीक है ना, इसमें ए की वैल्यूज को रख देते हैं तो कितना जाएगा, यहाँ से हम अगर बात करें a इज इक्वल टू वन रख दें कितना हो जाएगा, यहाँ पे टू थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू वन आ जाएगा। a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू वन फर्स्ट में पुट करें तो थ्री प्लस टू इज इक्वल टू एम, मतलब m की वैल्यू कितनी आ जाती है, फाइव। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, c ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, m की वैल्यू फाइव होगी। तो ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सक पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कहा जा रहा है कि वेक्टर्स x इज इक्वल टू 101 एंड y इज इक्वल टू माइनस फोर ए कॉमा फोर एंड z इज इक्वल टू a कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस a आर लीनियरली डिपेंडेंट इन आर क्यूब देन a इज इक्वल टू व्हाट। देखिए अगर ये तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो जब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे 101 माइनस फोर ए कॉमा फोर और ए कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस ए, ये कितना मिलना चाहिए आपको, जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट रो के अलावा हम एक्सपेंड कर देते हैं तो वन इंटू कितना मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर और प्लस फोर,
ये तो जीरो हो गया, फिर प्लस वन इंटू कितना मिलेगा, फोर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम बात करें देखिए, तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस फोर माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर माइनस ए स्क्वायर, मतलब फोर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, जीरो। मतलब यहाँ से क्या मिलेगा हमको, फोर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फोर माइनस ए स्क्वायर का एक सेकेंड, ये कितना मिलेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर, प्लस फोर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। फोर प्लस फोर कितना हो गया, एट, माइनस टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू एट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस टू। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 29 नंबर। ये 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि अब इक्वेशन आर इंटू सिक्स माइनस फोर कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइव, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इज रिप्रेजेंट्स पैराबोला एंड एलिप्स ए हाइपरबोला एंड ए सर्किल। देखिए जो कोनिक का इक्वेशन होता है, अगर हम कोनिक के इक्वेशन की बात करें, ठीक है ना, तो कोनिक का हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है आर इज इक्वल टू ई डी अपॉन वन माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है ना, वन माइनस ई कॉस थीटा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, आर इज इक्वल टू फाइव अपॉन सिक्स माइनस फोर कॉस थीटा। अब देखिए इसको कंपेयर अगर करवाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे वन बनाएंगे, वन बनाने के लिए सिक्स डिवाइड कर देते हैं, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाइव बाई सिक्स अपॉन वन माइनस फोर बाई सिक्स का मतलब टू बाई थ्री कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इससे हम लोग कंपेयर करवा सकते हैं, कंपेयर करवाएंगे, देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ई होता है और ई कितना हो गया बताइए, टू बाई थ्री, ठीक है ना, ई इज इक्वल टू टू बाई थ्री एंड विच इज लेस देन वन, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर ई लेस देन वन होता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इसका फोकस निकालना है, फोकस ऑफ द पैराबोला फोर वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू फाइव। तो देखिए इसका अगर फोकस निकालना, सबसे पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें से मैंने फोर को कॉमन कर लिया, ठीक है ना, तो या ठीक है फोर को मैंने कॉमन कर लिया इसमें से, तो कितना बनेगा यहाँ पे हमारे पास, अगर हम फोर को कॉमन कर लें तो ये बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस वाई, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे इसको राइट में भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, फाइव। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया इसमें, वाई स्क्वायर माइनस वाई, इसमें वन बाई फोर को ऐड कर दिया और वन बाई फोर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और यहाँ पे सिक्स एक्स प्लस फाइव। ठीक, तो ये कितना बन गया, फोर टाइम्स, ये कितना बन गया, वाई माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और ये साल्व होगा कितना बचेगा, माइनस वन, उधर गया तो कितना हो गया, प्लस वन, मतलब सिक्स एक्स प्लस सिक्स हो गया, इसमें से हम सिक्स को कॉमन कर लेंगे, कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग अगर कैपिटल वाई बोल दें तो कैपिटल वाई स्क्वायर, और इसको हम कैपिटल एक्स बोल दें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स बाई फोर का मतलब थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, ठीक है ना, थ्री बाई टू, और क्या बनेगा, कैपिटल एक्स, जहाँ पे एक्स ये है और वाई है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स टाइप का हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स टाइप का होने का मतलब कि इसका जो फोकस आएगा वो कितना आएगा, ए कॉमा जीरो। ठीक, अब देखिए फोर ए अगर हम कंपेयर करें तो फोर ए की वैल्यू कितनी है, थ्री बाई टू, तो ए हमारा कितना है, थ्री बाई एट है। ठीक, तो अगर फोकस की बात करें तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में फोकस, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की बात करें कितना जाएगा, थ्री बाई एट कॉमा जीरो हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें निकालना है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में, तो देखिए ये कैपिटल एक्स हमने क्या लिखा था, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा हमारा, थ्री बाई एट, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री बाई एट माइनस वन, मतलब माइनस फाइव बाई एट, और ये वाई की वैल्यू है कैपिटल वाई इज इक्वल टू जीरो, कैपिटल वाई इज इक्वल टू जीरो, कैपिटल वाई क्या है, वाई माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन बाई टू, तो जो हमारा फोकस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस फाइव बाई एट कॉमा वन बाई टू। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। कहा जा रहा है कि इक्वेशन है 9x² प्लस 2hxy प्लस 4y² प्लस 6x प्लस 2fy इज इक्वल टू 3। कहा जा रहा है कि दिस रिप्रेजेंट्स टू पैरेलल लाइंस इफ h प्लस f इज इक्वल टू व्हाट। अगर ये दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो बताना कि h प्लस f की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए अगर अगर जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को तब रिप्रेजेंट करता है जब डेल्टा जब हमारा h स्क्वायर इज इक्वल टू जब हमारा हो जाता है h स्क्वायर इज इक्वल टू ab एंड b af स्क्वायर इज इक्वल टू bg स्क्वायर af स्क्वायर इज इक्वल टू bg स्क्वायर, ठीक। चलिए तो देखिए हम यहां से लगाते हैं पहला कंडीशन h स्क्वायर इज इक्वल टू a आपको पता लग गया होगा कितना है 9, b आपको पता लग गया होगा कितना है 4, तो h स्क्वायर कितना आ गया 36, h स्क्वायर आ गया हमारा 36 मतलब h इज इक्वल टू 6, ठीक। और अगर ए एफ स्क्वायर की बात करें, ठीक है, ए एफ स्क्वायर की बात करें तो कितना हो गया, ए कितना है 9 और एफ की बात करें तो देखिए ट्वाइस एफ वाई मतलब एफ एफ है तो 9 एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बी कितना है हमारा, बी कितना है 4 है और जी स्क्वायर देखिए ट्वाइस जी कितना है 6 तो जी कितना है 3 है, 3 का होता है 9 है तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4, ठीक। अब देखिए हमको यही निकालना कि एच प्लस एफ क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ से मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं प्लस माइनस 6 और इसको ले लेते हैं प्लस माइनस 2, ठीक है, तो एच प्लस एफ के क्या 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 ऑप्शंस बनेंगे, एच प्लस एफ निकालना है हमें, ठीक है ना, एच प्लस एफ, ठीक। तो देखिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, एच प्लस एफ अगर मान ली दोनों पॉजिटिव ले लिया 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, दोनों नेगेटिव ले लिया तो माइनस 6 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 8, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिया 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 और इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लिया तो माइनस 6 प्लस 2 कितना हो गया माइनस 4। और जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो कितने हैं 2680, तो इसमें से सिर्फ एक ही मैच कर रहा है 8 वाला, h प्लस f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 में बोला गया था कि अगर लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 3, इफ लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 3 मीट द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एट a एंड b, ये लाइन इस सर्कल से a और b पे मिलता है तो देन इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज ab, अगर इसको डायमीटर मान के जो है इसका इक्वेशन निकालना है। डायमीटर के लिए देखिए अगर हमको ये पॉइंट पता लग जाए तो डायमीटर फॉर्म में जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0, ठीक। ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू पता करना है, इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 मैं यहाँ रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, तो ये 9 कट गया और इसमें से हम 2x कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 0 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो y इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा और x इज इक्वल टू माइनस 3 होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक। तो 0, 3 और माइनस 3, 0 ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए, ठीक है। आई वैल्यूज को रखते हैं x माइनस एक्स वन मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स टू कितना हो गया 0 प्लस y माइनस वाई वन कितना हो गया 0 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस वाई टू इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन में अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, यही ए ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x
minus 4 is equal to 0. Then I touch externally, touch internally, do not touch or none of the above. देखिए अगर हम बात करें दो सर्कल होता है ना, ये एक्सटर्नली तब टच करता है, एक्सटर्नली तब टच करता है, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, ये रेडियस R1 है R2, एक्सटर्नली तब टच करता है जब C1 C2 is equal to R1 plus R2 आ जाए, मतलब दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस दोनों के रेडियस के बराबर आ जाए, और ये इंटरनली तब टच करता है, ये इंटरनली तब टच करता है जब C1 C2 हमारा जो है वो बराबर आ जाए मॉड ऑफ R1 माइनस R2। मॉड लगाने का मतलब है जो भी रेडियस बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर दें और सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लें, तो ये दोनों बराबर आ गए तो हम कहेंगे इंटरनली टच करता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले इसका सेंटर और निकालना पड़ेगा हमें, तो देखिए इसका सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, तो ट्वाइस जी इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस टू, तो माइनस जी कितना हो जाएगा वन और ये कितना हो जाएगा टू, इसका सेंटर ये सी वन, और रेडियस की बात करें तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो वन प्लस फोर, सी तो है ही नहीं कितना जाएगा रूट फाइव, ठीक। इसके सेंटर की बात करें तो माइनस जी माइनस एफ होता है कितना जाएगा फोर, और एफ वाई का कोएफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है ना, कितना जाएगा जीरो, और अगर रेडियस की बात करें आर टू कितना जाएगा सिक्सटीन और प्लस फोर मतलब ट्वेंटी, ट्वेंटी का कितना जाएगा टू रूट फाइव, ठीक। सी वन सी टू के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना जाएगा अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वन माइनस फोर, ठीक है, प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सी वन सी टू हमारा है वन कॉमा टू रूट फाइव, ठीक है, सी टू है जीरो कॉमा फोर, यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, इक्वेशन से हमारा है माइनस एट वाई है, यहाँ मैंने गलत नोट किया हुआ है इसको, ये माइनस एट वाई है, मतलब ये इसका सेंटर कितना आ जाएगा जीरो कॉमा फोर आएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर मिस वन प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर मतलब फोर, ये कितना आएगा रूट फाइव, सी वन सी टू कितना आएगा रूट फाइव। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे आर टू माइनस आर वन निकाल लें, आर टू माइनस आर वन तो टू रूट फाइव माइनस रूट फाइव कितना आ जाएगा रूट फाइव, इसका मतलब जो सी वन सी टू है वो बराबर है आर टू माइनस आर वन के, ठीक, C1 C2 is equal to R2 minus R1, इसका मतलब ये इंटरनली टच करते हैं, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन ये है द सेंटर ऑफ द कोनिक, एक कोनिक दिया हुआ है फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस फाइव वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर और प्लस ट्वेंटी टू एक्स प्लस ट्वेंटी टू एक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स वाई प्लस ट्वेंटी नाइन इज इक्वल टू जीरो, ठीक। कहा जा रहा है कि इसका जो सेंटर क्या होगा, देखिए किसी भी कोनिक का सेंटर निकालना हो ना तो हम इसको जो है ना कुछ देर के लिए एफ मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो देखिए जब किसी भी कोनिक का सेंटर निकालना हो तो सबसे पहले हमें डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना चाहिए और डेल एफ बाई डेल वाई पार्शियली इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इससे जो है दो इक्वेशन मिलेंगे और इसको जीरो की जीरो से इक्वेट करना है ना, और यहाँ पे एक्स और वाई दो रिलेशन आएंगे सॉल्व करेंगे तो वही हमारा सेंटर आता है। तो आइए हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको कितना हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है ना, माइनस सिक्स वाई, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा प्लस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू जीरो, तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये जीरो हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स, ये कितना आ जाएगा प्लस टेन वाई और ये कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको जब हम थोड़ा टू से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस इलेवन इज इक्वल टू जीरो, और इसको सॉल्व कर दें अगर तो कितना आ जाएगा थ्री एक्स, ठीक है ना, थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस थर्टीन, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो। और इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी आएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और वाई इज इक्वल टू टू आएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन में इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन है माइनस वन कॉमा टू। आप सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए इसको, माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस फाइव और टू रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स, माइनस इलेवन प्लस इलेवन जीरो, सेकंड में पुट करिए, सेकंड में कितना हो जाएगा माइनस वन रखेंगे कितना हो जाएगा माइनस थ्री और टू रखेंगे कितना हो जाएगा माइनस टेन और प्लस थर्टीन, थर्टीन माइनस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा इसका, ठीक है ना, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव,
E and E dash are the eccentricities of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 and it's a conjugate hyperbola. Then E and E dash में क्या relation है? वैसे तो ये standard result होता है कि 1 by E square plus 1 by E dash का whole square is equal to 1, but आप चाहें तो मैं इसको prove करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है? तो देखिए हम लोग अगर बात करें तो जो ये hyperbola है उसके लिए eccentricity निकालने का formula क्या होगा? B square is equal to A square E square minus 1, ठीक है ना? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो b square by a square is equal to कितना आ जाएगा e square minus 1, तो e square कितना हो जाएगा b square by a square plus 1, कितना आ जाएगा ये a square plus b square upon a square, ठीक है? इसको reciprocal हम लोग कर लेते हैं, तो 1 by e square is equal to a square upon a square plus b square. Similarly जो conjugate hyperbola होता है उसका eccentricity निकालने का formula होता है a square is equal to b square e dash का whole square minus 1. तो यहां से कितना आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू e डैश का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से e डैश स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है? रेसिप्रोकल कर ले तो 1 / e डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे आप तो 1 / e स्क्वायर प्लस 1 / e डैश का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा c ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. वैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है ना? चलिए 36 की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है? 36 ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 0, 0, 6 और 5, 1, ठीक? कह रहा है कि इन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का सेंटर आपको बताना है कि सेंटर कितना होगा. तो देखिए बहुत आसान सी बात है कि हम सेंटर कह देते हैं इसका है x, y, ठीक? अब इस पे जो है देखिए दो पॉइंट्स हैं, आसान आसान वाले पॉइंट्स कौन से हैं 2, 0 और कौन सा है 0, 6. तो इसका मतलब कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों रेडियस है, ठीक है? तो अगर निकालें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इधर कितना जाएगा x स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो देखिए कितना आ जाएगा ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36. x स्क्वायर y स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है? और यहाँ से कितना आ जाएगा 12x माइनस 4x कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा 32. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक? x इज इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 4 जो हमारा आ गया, एक बार फिर से कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं. पॉइंट्स था हमारा 2, 0, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 0, 0, 6 एंड 5, 1, ठीक है? तो अगर हम बात करें x, y से तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है? दोनों रेडियस बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 36 और यहाँ से कितना जाएगा माइनस 12y, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट गया, कितना आ जाएगा माइनस उधर ले लेते हैं इसको तो कितना आ जाएगा 4x है ना माइनस 12y इज इक्वल टू 4 माइनस 36 32. 4 से डिवाइड कर दें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है ना? एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक है? अच्छा दूसरी बात जो है अगर हम बात करें, अच्छा इसी को हम चाहे तो सेटिस्फाई करवा लें, कौन कौन सा ऑप्शन से ही सेटिस्फाई करवा लेते हैं. सेंटर 3 / 2, 1 है, 2, 3 फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन ये है, आई चेक करवा लेते हैं. सेकंड ऑप्शन को रखिए इसमें कितना हो जाएगा 2 और माइनस, ठीक है ना? और 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस 8, तो -7 इज इक्वल टू -8 ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये नहीं होगा. और सी ऑप्शन की बात करें अगर तो 5/2, 2 और डी ऑप्शन हमारा कितना है 5/2, 7/2, ठीक है ना? फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 3/2 और -1 रखेंगे कितना का 3 कितना जाएगा 3 - 6 मतलब -3/2, ये नहीं होगा. अगर इसकी बात करें 5/2 माइनस 2 की बात करें कितना जाएगा 6, 5 - 12 कितना जाएगा -1/2, ये भी नहीं होगा.
इसकी बात करते हैं, 5 बाई 2 माइनस 21 बाई 2, ठीक है ना। 5 माइनस 21 कितना जाएगा, माइनस 16 बाई 2 कितना जाएगा, माइनस 8, ठीक। ये ऑप्शन सेटिस्फाई किया तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए हमारा क्या है, कह रहा वर्टिसेस आपने हाइपरबोला आर, एक हाइपरबोला है जिसके वर्टिसेस हैं कितने हैं, वर्टिसेस कह रहा है वर्टिसेस इसके हैं 1,0 एंड -1,0, 1,0 एंड -1,0, ठीक है। तो और इसके जो फोकस हैं दो फोकी वो कितने हैं, 2,0 और -2,0, ठीक है, -2,0। तो पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो जो हमारा वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स वो होता है प्लस माइनस ए जीरो, ठीक। तो यहाँ से ये कितना दिया हुआ, प्लस माइनस 1,0, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक। जो हमारा फोकस होता है ना फोकी वो कितने होते हैं, प्लस माइनस ए जीरो, ठीक, जो कि कितना दिया हुआ, प्लस माइनस 2,0, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक। तो देखिए अगर हम बात करें हाइपरबोला का इक्वेशन निकालने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो ए चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, बी चाहिए। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की बात करें तो 4, माइनस ए स्क्वायर की बात करें 1, कितना जाएगा, 3, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए इसको, 3x² - y² = 3, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन ये है, इक्वेशन ऑफ ए कोन व्हिच वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन एंड बेस इज द कर्व z इज इक्वल टू k और f x कॉमा y इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, थ्रू द वर्टेक्स तो वर्टेक्स से पास होने वाली किसी लाइन का इक्वेशन अगर हम लिखें, वर्टेक्स मतलब 0,0,0 से पास होने वाली किसी लाइन का इक्वेशन लिखें तो कितना आता है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल मतलब एक्स वाई एल इज इक्वल टू वाई वाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट नंबर कर दिया, ठीक है। अब देखिए दिस मीट्स द प्लेन जेड इज इक्वल टू सी, ये जो है कहा जा रहा है कि इक्वेशन आप कौन हूँ, वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन बेस इज करो जेड इज इक्वल टू के। देखिए ये जेड इज इक्वल टू के जो प्लेन है ना, उसे तब मीट करेगा, कब मीट करेगा, इफ दिस मीट्स दिस प्लेन, इफ जेड वैल्यू यहाँ रख देते हैं एक्स बाई एल इज इक्वल टू वाई बाई एम इज इक्वल टू के बाई एन, ठीक है। तो यहाँ से मुझे अगर बात करें तो एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, के एल अपॉन एन, और वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, के एम अपॉन एन, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा इसमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं के एल अपॉन एन, और वाई की वैल्यू रख देते हैं के एम अपॉन एन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू एफ एल बाई एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना, के एल बाई एन, एल बाई एन की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, एल बाई एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स बाई जेड, तो ये कितना आ जाएगा, के एक्स बाई जेड, और एम बाई एन की वैल्यू निकालना चाहते हैं ये हो जाएगा वाई बाई जेड, के वाई बाई जेड इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर आएगा, और अगर ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लिमिट्स का। कहा जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस वन रेज टू फाइव माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन रेज टू सेवन माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट। देखिए आपके लिए इसके लिए एक फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत ही आसान फार्मूला है, लिमिट एक्स रेज टेंड्स टू ए एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए रेज टू एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्स इसका कैसे लिखते हैं, देखिए जो यहाँ नंबर होना चाहिए वही नंबर यहाँ होना चाहिए,
रेस्ट टू एन माइनस ए रेस्ट टू एन, और नीचे इन दोनों का क्या होना चाहिए, डिफरेंस। ऐसा इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है x प्लस वन टू द पावर फाइव, माइनस वन को लिखा वन टू द पावर फाइव, और डिवाइडेड बाई नीचे लिख दिया x प्लस वन माइनस वन, x प्लस वन माइनस वन। ठीक, ये हमारा ऊपर वाली चीज़ हो गई। नीचे वाली चीज़ क्या है, देखिए x प्लस वन टू द पावर सेवन माइनस, इसको वन को लिख दिया वन टू द पावर सेवन, और नीचे क्या लिख दिया x प्लस वन माइनस वन, और लिमिट कितना है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब देखिए आप इस तरीके का पैटर्न हो गया। यहाँ से देखिए ये प्लस वन माइनस वन तो गायब हो जाएगा, इसका मतलब मुझे मैंने x से डिवाइड किया था या यहाँ पे भी ऊपर भी नीचे भी, तो ये बैलेंस है दोनों चीज़ें। तो आप आंसर लिखने की बारी, आंसर कैसे लिखा जाता है, पावर जो होता है फाइव, ए की वैल्यू कितनी है वन, तो ए का पावर तो कुछ भी करेंगे तो वन ही आएगा, ऊपर से आएगा फाइव और नीचे से क्या आएगा सेवन। अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप इसको एल हॉस्पिटल से भी तुरंत लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, वेरी इजी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा ये है कि अगर f ऑफ x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब हो, ठीक है, तो आपसे बताना है कि f ऑफ वन क्या होगा, f ऑफ वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम x प्लस वन बाई एक्स को t अगर ले लें और इसका क्यूब करें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, तो वन थ्री हो जाएगा, और ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी क्यूब। ठीक, ओके, तो अब अगर हम बात करें एक्स प्लस वन बाई एक्स को आपने टी बोला था, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे ये सब पुट करें, एक्स प्लस वन बाई एक्स को आपने क्या बोला, टी, ये तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या बनेगा, टी क्यूब माइनस थ्री टी, टी क्यूब माइनस थ्री टी। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे f ऑफ वन निकालना है, तो t इज इक्वल टू वन पुट कर देते हैं, तो वन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम जो है आज के लेक्चर को ये भी समाप्त कर रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी, इस बार थोड़ा देर हुआ बट आगे हम इसको बहुत ही जल्दी जो है इसके पूरे सोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।